जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जैसे JLO की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो कुछ भी हम आपको ब्रीफ लिखा रहे हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। CRPC में जो सूत्रों में आपको जो लिखाया जा रहा है ना, आप उसे बहुत अच्छे से लिखिएगा, एक बार घर पे जाके और फेयर कर लीजिए, उसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, तो मुश्किल से आपके रजिस्टर के 25 से 30 पन्नों में, 40 पन्नों में जाएगा, पूरी CRPC आ जाएगी। उसे आप फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मेंस के लिए, मेंस उससे नहीं होगा। वो कंटेंट तो पता होने चाहिए, मेंस के लिए तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है, खास तौर से चाहे वो RJS का मेंस दो या UP जुडिशरी का मेंस दो, MP का दो, सबका, किसी का भी दे दो, उसकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी तैयारी वो काम नहीं करती। लेकिन उतना आपको पहले से याद है तो वो काम करती है। वहां जो प्रश्न आएगा, वहां तो ऐसे आएगा कि व्हाट इज समन, सर्विस ऑफ समन्स, तो वो नहीं लिखना है केवल 62, वो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? पूरे सेक्शन आने, क्या लिखना है? पूरे ही सेक्शन लिखने के, समन क्या होता है प्रारूप बता दिया, फिर पूरे के पूरे सेक्शंस लिखने। बल्कि पूरे सेक्शन लिखने की बजाय आप, एक तरीका ये हो भी होता है कि सेक्शन 61 से लेके और 69 तक ये प्रोविजन दे रखे हैं, और आप पॉइंट्स में लिखते चले गए, 1 2 3 4 5 6 करके, कि इन इन प्रोविजंस में जैसे किसी विटनेस को समन भेजना है तो डाक से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स आएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लिख के 62 को लिख के छोड़ देते हैं, और पता लगता है 0 नंबर आता है। तो ऑब्जेक्टिव में जिन लोगों को अभी JLO में सेलेक्ट होना है, उनके लिए बड़ा सरल है, जो तो कुछ भी मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, साथ के साथ आप इन्हें याद कीजिए, साथ में आप अपने पढ़ाई के तरीकों को थोड़ा परिवर्तित करके, जैसे आप घर पे गए, अभी जाते ही जैसे खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद बिना किताब के, बिना नोट्स के, बिना बियर एक्ट के आपको पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? अच्छा, सर का लेक्चर क्या क्या हुआ था, इसमें ये बताया, इसमें ये बताया, सारे सेक्शंस को उल्टा पढ़ता। आपको टिप्स पर होने चाहिए, कौन से 69 से लेके 1 तक का, सेक्शन 1 तक की कह रहा हूँ मैं आपसे। और ये प्रक्रिया रोज रिवाइज करनी है। कैसे करनी है? रोज, ऐसे नहीं एक दिन कर ली, बैठ गए। अब आपसे उस समय कोई कह सकता है क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ। वो कह सकता है यार ना किताब है ना कॉपी है ना कुछ है, क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई में क्या करना है? रिकॉल करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जो नहीं आ रहा है, आप अपने पास एक रफ कॉपी रखिए, एक पन्ना रख लीजिए, ये मेरे को नहीं आया, उसको बाद में देखिएगा, ये तरीका अपनाओ, रोज करना है। ये तो आज कहां से कहां तक करना है, 69 से लेके 1 तक। कल मान लो 90 तक हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, 90 से 1, फिर आगे हो जाएंगे तो वहां से, रोज करना है ये काम। और जो इसे रोज करता रहेगा, ये मेरी गारंटी है, प्री और मेन दोनों में ही पास होगा। एक लड़की थी मेरे यहीं से, मजिस्ट्रेट है श्वेता, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़े अभी तक, उसने CRPC को जिस तरह याद किया, उतना किसी और स्टूडेंट ने नहीं याद किया। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, जस्टिस अजय रस्तोगी साहब, उसके बोर्ड में उसका इंटरव्यू हुआ, वो मुझे बता रही थी, उसे 25 क्वेश्चन अकेले उन्होंने CRPC पूछे। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया था, जो बताओ सबसे अच्छा सब्जेक्ट बताओ, उसी पे पूछेंगे हम आपको कौन सा है। और पूछा कि अच्छा मीडियम क्या है, तो मीडियम बोले हिंदी, तो थोड़ा सा उसे लगा होगा कि हिंदी मीडियम की लड़की है, जैसे आपको लगा होगा हिंदी मीडियम की लड़की है, कम जानती होगी बेचारी, चलो इसे पूछ लेते हैं, इसको ऑप्शन दे देते हैं। बोले सर अभी तो CRPC रिवाइज किया, बाकी तो मैं सारा करके आई हूँ,
चलो सीआरपीसी पूछ लेते हैं। सीआरपीसी पे उन्होंने दम लगा लिया, पूरा पूरा ही दम लगा लिया, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और पास ही नहीं हुई, उसकी रैंक आई थी। इंटरव्यू में उसको बहुत अच्छे अंक मिले, 26 या कितने थे पता नहीं एग्जैक्ट मुझे फिगर, लेकिन मुझे याद है जैसे सीआरपीसी शुरू हुई सीआरपीसी पे ऐसी मास्टरी हासिल कर ली थी उसने। और उसे क्या, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा है, डेली रिवाइज कर लो, कहाँ से करना है, आज उल्टा चलना है, ये नंबर हमेशा ही उल्टा चलना है, 69 से 1 तक का चलना है। 2 कर रहे हो ना तो 2 में ए बी सी डी सारा पढ़ लेना, फिर आप देखियो क्या चमत्कार होता है। जैसे जैसे सीआरपीसी खत्म हुई फिर आप कहोगे अपने दोस्तों से, अच्छा यार कुछ भी पूछ लेना, पूछ तू मेरे को कुछ, लेकिन ये करना कैसे है बिना किताब के, आपकी मेमोरी बहुत बढ़ेगी। हमेशा ही आप जब भी पढ़ने बैठते हो किताब लेके बैठ जाते हो, नोट्स लेके बैठ जाते हो, हमेशा आदत है, इसके बिना आप पढ़ना सीखो। थोड़ा सोचो कि यहाँ जो आ गया है वो हमारी पढ़ाई है, और जो यहाँ नहीं आया वो तो किताबों में बेरक में लिखा हुआ, उससे क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। तो आज से आप ये जरूर करिएगा, और जिसने भी कर लिया है तो आप एक मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा कि सर वी हैव रिपीटेड, कितने परसेंट सही हुआ, किसी का मान लो 90% तो 90% कर देना, किसी को 80% सही हुआ तो 80%, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितने परसेंट कर पाते हैं। और डेली करोगे तो परफेक्शन की तरफ ले जाएगा ये। एग्जाम पास करना सिर्फ पढ़ाई की एक कला है, इतना हार्ड वर्क नहीं है जितना हम समझते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए। एक मैकेनिज्म है जो आपके दिमाग का और आपकी तैयारी का है, ठीक है ना।